भिंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भिंड कलेक्टर ने चुनाव से पहले स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल के साथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। भिंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी। मतदान कर्मियों की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का डेटा फीड कराने का काम पूरा कर लिया गया है। इसी क्रम में प्रारंभिक चरण में लहार अनुभाग शासकीय महाविद्यालय लहार में बने स्ट्रांग रूम का आज जिला कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीओ जैन लहार अनुविभागीय अधिकारी आर के प्रजापति लहार एसडीओपी अवनीश बंसल व तहसीलदार नवीन भारद्वाज के अलावा वरिष्ठ आला अधिकारियों ने निरीक्षण कर खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिए। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि लहार विधानसभा क्षेत्र में 65 पंचायत हैं जहाँ पर पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है। इसके मद्देनजर प्रशासनिक अमला मैदानी स्तर पर पूरे जोर शोर से लगा हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। मद्देनजर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियाँ की गई? तो आज तो स्ट्रांग रूम का जो व्यवस्था है उसे देखने के लिए संयुक्त रूप में एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, पीडब्ल्यूडी का टीम और सीओ साहब भी साथ में है। तो स्ट्रांग रूम की व्यवस्था रोन में और लहार में देखने के लिए आए, क्योंकि पहला चरण में रोन एंड लहार जो पंचायतों का जो चुनाव होंगे, स्ट्रांग रूम के अलावा अभी नाका भी स्थापित होने वाला है, क्योंकि यहाँ अंतर राज्य नाका भी स्थापित होंगे और पूरा जिला में इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके भी स्थापित होंगे। तो उसका हम अलग से फिर से आएंगे, उसके लिए मैं और एसपी साहब संयुक्त रूप में आएंगे। तो बाकी जो तैयारियां हैं अभी के लिए नॉमिनेशन का जो तैयारियां हैं, कल से नॉमिनेशन शुरू होगा और अगले सोमवार तक लास्ट डे है, उसका भी ट्रेनिंग्स वगैरह पूरा हो चुका है।